हाय दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज एक बात शेयर करने वाला हूँ। डर का आगे एक्चुअली 100% जीत है। मैं ऑल इंडिया टूर पे था। नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेट था मणिपुर इम्फाल। तो कोहिमा से एक्चुअली 140 किलोमीटर का डिस्टेंस था इम्फाल। तो वहाँ से मैं एक्चुअली आया, कोहिमा से मैं बस पकड़ के आया 80 किलोमीटर तक। तो वहाँ से उसके बाद और गाड़ी नहीं था। वहाँ से फिर सुमो में थोड़ा आया। सुमो आने के बाद ऑटो में कर करके वहाँ पे एक्चुअली इम्फाल का हाल कंडीशन बहुत ख़राब था। और तो एक जगह था वहाँ पे, एक डिस्ट्रिक्ट सेनापति करके एक डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ से सुमो उतार दिया, बोला हमार आगे नहीं जाएंगे। तो कोई गाड़ी सब कोई राजी नहीं हो रहे थे, बोले हाल ख़राब है, 144 लगा है। तो एक ऑटो वाला को रिजर्व किया, वो आया 30 किलोमीटर, छोड़ा ऐसे ही 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे ही करते करते आया। देखा रास्ते में बहुत पुलिस फोर्स फोर्स पूरा CRPF इंडियन आर्मी, रास्ते में गाड़ी जला हुआ है। लेकिन ऐसा गाड़ी जला हुआ गाड़ी को सब देख देख के पूरा मैं पूरा कांप हुआ। मैं वापस सोचा चला जाऊँ, मैं वापस चला जाऊँगा तो फिर मेरा ऑल इंडिया जर्नी फिर अधूरा रह जाएगा। तो सोचा ऐसे तो ठान के निकला हूँ कि इंडिया का हर स्टेट के हर कैपिटल पे पैर रखूँगा। मैं कि अगर अच्छे काम में अगर निकला हूँ तो फिर मौत का क्या डर क्या है, जो रब को होगा बस होगा और क्या। तो रब का ऊपर भरोसा रखा। मैं कह नहीं, वो मेरा साथ देगा ज़रूर। तो धीरे 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 करते करते गुरुद्वारा आके देखो जैसे पहुँच गया। गुरुद्वारा पहुँचने के बाद में मैंने, यहाँ पे एक रागी जी हैं, 19 साल हो गया यहाँ पे ये पाठ कर रहे हैं, ज्ञानी जी के पोस्ट पे हैं। वो चेन्नई गए थे एक्चुअली US एम्बेसी में, फिंगर US जाने के लिए। US एम्बेसी है हमारे चेन्नई में गुरुद्वारा के पास में, और उनको वहाँ भी लेके गया था और एयरपोर्ट में भी उनको ड्रॉप किया था मेरी गाड़ी से। तो वो यहीं पे पोस्टिंग है इनका, मेरे को मालूम नहीं था, मैं इतना याद नहीं था। तो मुझे देख लिए वो यहाँ पे इम्फाल पे गुरुद्वारा पे, तो देख ले गया, बहुत हेल्प किए कि क्या बताऊँ। ये रूम मेरे को दिलवाए, पैसा पैसा पूरा 1 रुपया नहीं लिए, बोले नहीं लूँगा मैं। और बहुत देखो, हमें भगवान ऊपर वाला ने मिलवाया चेन्नई में। मैं इनको एयरपोर्ट ड्रॉप किया भूल गया था मैं, बट ये मुझे पहचान गए। देखो कैसे ने ऊपर वाला ने कैसे मेरे को जोड़ दिया आज, कहाँ चेन्नई कहाँ इम्फाल। कभी सपने में भी सोचा नहीं था इम्फाल तो ऐसा आऊँगा। जब ऊपर वाला मुझे ले के आया, कैसे देखो जोड़ दिया। और ऐसा करके तो अच्छे से खाना पीना भी हो गया, डिनर हो गया। सुबह फिर यहाँ से देखता हूँ गाड़ी, यहाँ पे एक्चुअली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मार्केट खुलता है। उसके बाद फिर कर्फ्यू लग जाता है, सन्नाटा पड़ जाता है पूरा। देखता हूँ कल गाड़ी क्या होगा, फिर रिजर्व करके जाना पड़ेगा यहाँ से सेनापति, सेनापति से फिर कोहिमा, कोहिमा से दिमापुर। नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया। चलो दोस्तों, एक्चुअली डर का आगे जीत आज मेरे को पक्का पता चल गया। पूरा डर डर के आ रहा था, क्या मेरे को तो ऑटो वाले आधा डरवा दिए थे सेनापति पे रास्ता पे, भैया आप वापस आ नहीं पाओगे, आप जा रहे हो। फिर सोचा कि घर में बता देता हूँ कुछ, ऐसा मन में आया कि एक वीडियो कि अगर वापस ना आ पाया तो जिन धरती से तो एक दिन जाना है। अच्छा काम करके अगर धरती अगर हमारी मौत हो जाती है हम तो डर किस बात की। ऐसा मन में आया, एक वीडियो यूट्यूब में डाल दूंगा घर वाले के लिए, मम्मी के लिए, कि दुख नहीं करें, अच्छा काम में अगर हमारे शहीद हो जाते हैं तो क्या दुख किस बात की है। एक दिन तो धरती से सब कुछ आना है। ऐसे ऐसा मन में बहुत हुआ। फिर सोचा नहीं, रब के ऊपर भरोसा रखा, मैं को नहीं पहुँचूँगा, वो साथ देगा अच्छा काम में, वो ज़रूर साथ देगा। देखो कैसा साथ दिया और रागी जी से मुझे कैसे जोड़ दिए। एक CRPF के थे वहाँ पे, रास्ते में मिले वहाँ पे लोकल बंदे भी बहुत बड़ा, मतलब कि जगह 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 परेशान करते रहते थे। बहुत CRPF की भी बहुत हेल्प भी किए।
अच्छा काम में कोई साथ ना दे, लेकिन वो साथ देगा किसी के जरिए, फरिश्ते के रूप में आदमी को भेज के वो जुगाड़ सब इंतजाम कर दे। वही ऐसे ही मेरे से हुआ आज, तो बहुत बहुत शुक्र है रब का। और हार के आगे जीत है, ज़िंदगी में कभी हारना नहीं। ओके दोस्तों, बाय। और ऑल इंडिया टूर पे और एक स्टेट रह गया है, वो अपना स्टेट है हमारा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ से भी 18 तारीख का टिकट किया हूँ, 18 तारीख से दिमापुर से मेरा ट्रेन है, डायरेक्ट भुवनेश्वर जाऊँगा। भुवनेश्वर पे एक दिन घूमूंगा, अपना स्टेट है, दो दिन घूमूंगा वहाँ पे करके समाप्त करूँगा। चलो दोस्तों, ओके बाय।